वाईटी फैमिली, राधे राधे, और आप सभी का स्वागत है ईशान एंड मॉम ब्लॉग्स में। तो मैं हूँ फुल एनर्जी के साथ अपने बचपन के स्कूल को घुमाने के लिए। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए और देखिए कि गांव के स्कूल कैसे होते हैं। मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मम्मी किस स्कूल में पढ़ाई की है। निकास आउट लिखा हुआ है, इन आउट कुछ अलग अलग है क्या रूम में जाने का और आने का? प्लस टू है तो 10 क्लास है, 9 क्लास कहाँ से आ जाए? प्लस टू का बिल्डिंग है ये। हाँ तो 10 प्लस टू 12 होता है, तो 11 12 का पढ़ाई यहाँ पे होता है। दूर दूर तक सिर्फ गेहूँ का ही खेत नजर आ रहा है, हरा हरा इसी। तो हम लोग अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए आए हुए हैं। ईशान बोला मम्मी चलो स्कूल में जाना, तुम पढ़ती थी। तो हम तो ये नहीं पढ़े हैं इसमें, ये तो अभी कुछ साल पहले बना होगा शायद, मालूम नहीं मुझे, क्योंकि प्लस टू नहीं था हम लोग जब पढ़ते थे, टेंथ तक ही था। तो टेंथ वाला तो हम लोग जो पढ़ते थे वो बिल्डिंग बिल्कुल ही डैमेज हो गया है ना ईशान, खंडहर हो गया है, तो उसका दूसरा बिल्डिंग बना है। तो गांव में फिर भी प्लस टू तक है, तो जो लोग बाहर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए तो वो यहाँ पर कम से कम प्लस टू तक की पढ़ाई तो कर ही सकते हैं। ट्रेन जा रही है, ट्रेन की आवाज़ है। यहाँ पर अच्छा बनाया है, पेड़ पौधे भी काफ़ी लगाया हुआ है, और वैसे भी गांव में तो हरियाली होती ही है। तो ये फ्लावरिंग वगैरह देख सकते हैं कितना अच्छा है ना। लगाओगे तब तो होगा, ये वाला तो हम लोग लगाए ही थे छत पे जो अब नहीं है। रोज रोज कितना है ईशान, कितना बड़ा बड़ा है ना। मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड है, कहाँ है मैरीगोल्ड? ये मैरीगोल्ड है, रोज है, रोज है, रोज है, ये कुछ रोज लेकर आते हैं, रोज लेकर एक रोज तोड़ लेते हैं। टमाटर के खेत भी है बेटा, अरे डालिया का फूल भी है उधर, है उधर। तो वाइट भी है और पिंक भी है, नहीं रोज और रेड भी है। तुम नहीं तोड़ना रोज बेटा, कट जाएगा कांटा। तो ये एक रोज हम भी ले लिए हैं, पकड़ो, ऐसे तोड़ा जाता है, ऐसे तोड़ा जाता है। तुमको रेड हम दिए हैं, देखो है ना, हाँ रखो रखो पास में ही रखो। एक हम ये तोड़े हैं डालिया का, अच्छा लग रहा है ना। मेरा तो मन कर रहा है बहुत सारा फूल ले, कितने सारे फूल हैं और कोई तोड़ने वाला नहीं, क्योंकि बहुत सारे फूल हैं सबके घरों में हैं, तो कौन तोड़ेगा। ये देखिए एक सनफ्लावर एक डालिया, ईशान वो तोड़ने गया है, सब हो गया, ये सब हो गया। प्लस टू का ये स्कूल है, और ये हम लोग माँ बेटा हैं जो अब यहाँ से निकल रहे हैं घूमकर। तो ईशान का मन है कि छत पे जाए, छत इतना डैमेज सीढ़ी है, लेकिन ये लड़का बोल रहा है कि ऊपर जाएंगे। चलो उधर से चलो ईशान, गांव में जब आप निकलिएगा सुबह सुबह ना तो तरह तरह का स्मेल मिलेगा। नहीं सुबह गांव में निकलोगे तो तरह तरह का स्मेल। तो ये वो पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पर हम लोग पढ़ा करते थे, और यह पूरा ही डैमेज हो चुका है, खंडहर बन चुका है। इसका तो छत पूरा गिर गया है, क्योंकि ये बहुत पुराना है ना, तो डैमेज हो गया होगा, तो इस वजह से इसका क्लास शिफ्ट कर दिया गया है। ये सब क्लासरूम का हाल है। आई लव एस, क्या क्या लिखने में, क्या लिख रहे हो ईशान? ईंट से रख दो रख दो रख दो ये सब पूरा, ये वाला जो क्लास था ये सब पूरा ही डैमेज हो गया है, क्योंकि बहुत पुराना बिल्डिंग था ये, बहुत ज्यादा पुराना। हालांकि हम लोग पढ़े थे तब तक तो ठीक था, एकदम न्यू न्यू, एकदम न्यू नहीं, लेकिन क्लासरूम वगैरह सब ठीक था हम लोग जब पढ़ते थे तो।
ईशान का शुरू हो गया, इधर से कूदा कूदी तो इसको शिफ्ट कर दिया गया है दूसरे साइड। चलो ईशान बताते हैं ना, उतरो नीचे, नाइन्थ क्लास से ही। तो पापा के डेथ के बाद हम लोग यहाँ पर आए थे, जब गांव आ गए थे तो नाइन्थ और नाइन्थ और टेंथ हम यहीं से किए थे। ये सब तो एकदम कवारी का घर बन गया बेटा। ये तो लग रहा है कि सरसों यहाँ पिटाया है, सरसों का है ये। सरसों का दाना अगर छोटा जरा सा भी होगा ना तो पैर स्लिप करेगा। चलो निकलो, मच्छर काटेगा। हाँ तो गांव के लोग यूज करते रहते हैं खाली जगह को, तो ये सब खाली है। तो और ये टेंथ क्लास का भी पीछे से टूटा हुआ है, तोड़ा गया है क्या, टूट गया होगा या तोड़ दिया होगा। ठीक है रास्ता बना है, चलो आ जाओ। तो ये काफी मतलब बहुत पुराना था, पापा लोग भी इसमें पढ़ाई किए थे। ये बहुत ही पुराना बिल्डिंग था, जब बना था यहाँ पर हाई स्कूल तो इस तरह का बना हुआ था। तो पापा काका जी सब लोग यहाँ पर पढ़ाई किए थे, हम भी यहाँ पर पढ़े नाइन टेंथ। और टीचर्स बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी उस टाइम में। देखे ईशान को फूल जो दिए हैं, देखिए ईशान को फूल तोड़ के दिए, कितना सुंदर लग रहा है। तो इधर वाशरूम बना है, वाशरूम में भी गाँव में ही होता है ना, उपले ठोक दिए गए हैं। हर नारी न जाना है फेरा सीमेंट का है। हम सोचे कुछ स्लोगन लिखा हुआ है, तो ये है वो नया वाला में क्या है, कहाँ पढ़ाई। इधर है लैब, प्रयोगशाला कक्ष, इधर लाइब्रेरी है और ये कंप्यूटर लैब है। तो इसमें क्लासेस कहाँ हैं? क्लासेस तो हो सकता, पीछे जो हम लोग देखे थे प्लस टू वाला, शायद उसी में नाइन टेंथ भी होता होगा। तो ये कंप्यूटर लैब ही है, कंप्यूटर कक्ष लिखा हुआ है। छोड़ दो खोलो मत। गांव मतलब इतना सुकून भरा होता है ना। अब मत खोलो बेटा, नहीं करते ना। अब क्यों नहीं खोलते, इसको कौन बता, क्यों नहीं खोलते, क्या जरूरत है खोलने का। तो मेरी तबीयत कल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आज मंडे है और आज लौटना है हम लोगों को। तो सोचे कि सुबह सुबह इसको थोड़ा सा घुमा दें इधर उधर। ऐसे तो भैया सबके साथ गया है, स्कूल में खेलने भी आया था। ये सब तो इधर हाल फिलहाल में बना है कुछ वर्षों पहले। यही एक बिल्डिंग था जो जहाँ पर अभी हम लोग आ रहे हैं, जो टूट गया था। हाँ तो ये पहले का, बहुत पहले का मतलब समझिए कि मेरे ख्याल से 25-30 साल, ये कम से कम 70-80 साल पहले का था। 100 साल भी हो गया होगा, सही कह रहे हैं। तो ईशान इधर आओ, बच्चे खेल रहे हैं फील्ड में और हम लोग अब घर चल रहे हैं। तो कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण अब चलने का मन नहीं, फूल दे दिए और मम्मा हम भी दौड़ना चाहते हैं। ये मिडिल स्कूल का पीछे का बिल्डिंग है। नहीं बेटा, अब मेरा मन नहीं हो रहा है जाने का, हम बहुत थक गए हैं बेटा। मिडिल स्कूल है ये, मिडिल स्कूल देखेगा, मिडिल स्कूल देखेगा। अब इधर चल के आना पड़ेगा। हाँ इधर से रास्ता, इधर से रास्ता नहीं है, रास्ता तो गेट इसका उधर है। सब छत जाने का सीढ़ी, आ जाओ इधर। यह मिडिल स्कूल का बिल्डिंग, हमारा बिहार। तो सरकारी स्कूल तो ऐसे ही होते हैं लगभग है ना। अब यहाँ पे मत रहो नहीं तो ढंड। देखिए ये है मध्य विद्यालय तिनेरी मसौरी, मध्याह्न भोजन मेनू सूची। सोमवार को चावल मिश्रित दाल और सब्जी, मंगलवार को चावल और मिश्रित सब्जी, बुधवार को खिचड़ी या चोखा, गुरुवार को चावल मिश्रित दाल सब्जी, शुक्रवार को चावल काबुली चना, काबुली या लाल चना, और शनिवार को खिचड़ी चोखा। ये है मेन्यू यहाँ का। ये देख सकते हैं लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पटना, पश्चिम पटना, क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये पानी उपलब्धता का है, जो पानी नल जल वाला है ना उसका है, हर जल जल जीवन मिशन। बिहार का मैप, जल है जीवन की एक आस, उसे बचाने का करे प्रयास। साफ बर्तन में जल का संग्रह कर ऊंचे स्थान पर रखें। ये सब काफी अच्छा इंपॉर्टेंट
बातें इस तरह से लिखी हुई हैं वॉल पर। और ये भी है सीढ़ी, दोनों साइड से सीढ़ी है। और इधर नल लगा हुआ है टैप, ये सब लॉक है, स्कूल खुलेगा तो खुलेगा। और स्कूल गांव का स्कूल है तो पता ही है, चलो गांव का स्कूल है तो पता ही है कि कोई वहां पे वॉचमैन और ये सब का ये नहीं है कि हमेशा एक वॉचमैन रहेगा, खुला ही रहता है ऐसे ही, बस जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ पे लॉक रहता है। चलो तो ईशान को आज हम मिडिल स्कूल और हाई स्कूल दोनों घुमा दिए, चलो इधर से आ जाओ। अच्छा मिडिल स्कूल हाई स्कूल और प्लस स्कूल सारा घुमा दिए ईशान को। यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होता है, चलो आ जाओ खुद के आएगा, आ जाओ रुकना वहाँ पे पिक्चर क्लिक करते हैं तुम्हें। साथ में चलो बेटा, पता नहीं यहाँ से पकड़ लिया ये गांव की जिंदगी। रुक जा जान दे, जान दे, जान दे। रुक जा बेटा, हाँ वही कह रहे हैं, हट जा बेटा। माँ आपको खंडहर वाला स्कूल क्यों नहीं पसंद आया? डॉगी शान को देखता है, ये बकरी सब हमको देखती है, सब बकरी तुमको देख रही है, बकरी देख रही है कि आखिर ये है कौन, ये है कौन, ये बच्चा है कौन। सुनो ना, तो हम लोग घूम फिर के आ रहे हैं अब। और ये है कौन, हवा में भैंस, भैंस हाँ भैंस नहीं देखा है ऐसा ही, भैंस होता है ईशान, भैंस नहीं देखा, दिखा देते हैं। इसका मुंह बड़ा गंदा लग रहा है, मुंह को, मुंह गंदा लग रहा है हाँ। इसी को भैंस कहते हैं, देख रहे हैं यमराज का वाहन है, यमराज का वाहन, यमराज का वाहन है हाँ। इसको याद है कि यमराज का वाहन भैंसा है हाँ। तो अब घर चलते हैं हम लोग, हमको ही कहाँ देख रही है, साफ तुम्ही को देख रही है बेटा कि कहाँ से नमूना लड़का आ गया है। तुम बोला उसको यमराज का वाहन तो समझ गई, समझ तो चलते हैं अब, देखते हैं टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा मंदिर होकर आएंगे, वहाँ का भी वीडियो बना लेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप अपना साथ हमारे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।